जनाब, ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं। मैं हूं और मेरे साथ जवेरिया है। जवेरिया जो मेरी को-होस्ट भी होंगी और अभी इस सेगमेंट में मेरी गेस्ट भी होंगी, क्योंकि माहिर गजाइयत होने की वजह से हम इनसे पूछेंगे मीट और चिकन के हवाले से इनका इस्तेमाल कितना जरूरी होता है, बॉडी की नीड कितनी होती है, और इसके अलावा क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए क्योंकि मीट के जानवरों में जैसे हमने, और मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रही है जो हमारी जो फूड की डायरेक्टोरेट है इसमें जो प्राइस कंट्रोलिंग वाले हैं वो आजकल कहाँ है, क्योंकि मुर्गी की प्राइस डेली 50-50 रुपए करके 450 तक लेके जा रहे हैं, और आगे रमजानुल मुबारक भी है और आम आवाम की ऑलरेडी पौन से दूर है, क्योंकि जो नॉर्मल बंदा है उसकी इतनी सैलरीज नहीं है कि अफोर्ड कर सके। बींगा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा यहाँ फर्ज बनता है कि इस पे भी थोड़ा हाईलाइट किया जाए। एग्जैक्टली, इस पे हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा जनाब, जैसे रेट ज्यादा हो रहे वहीं पे जो भैंस है, बैल है, ये तमाम चीजें हैं, इनके इनमें लेपी स्किन की जो एक बीमारी है उसकी तादाद में इजाफा होना शुरू हुआ, तो साथ ही लोग चिकन पे आए, जब चिकन पे आए तो लोग जो है चिकन के रेट्स भी ज्यादा होना शुरू हो गए। इसके अलावा अगर दालों का इस्तेमाल करें तो दालों के इस्तेमाल से आपको किस हद तक फायदा हो सकता है, वो आपकी बॉडी के लिए कितनी जरूरी होती है, वीक में कितनी देर के बाद आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जवेरिया महमूद। डॉक्टर जवेरिया महमूद से पूछेंगे। डॉक्टर जवेरिया, पहले मुझे ये बताइए मीट का इस्तेमाल कितना जरूरी होता है, आपकी बॉडी की कितनी नीड होती है? देखिए, प्रोटीन्स के बगैर इंसानी ह्यूमन बॉडी का सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो मदर्स मिल्क जो है उसमें भी अल्लाह ताला ने नेचुरली एक प्रोटीन की अमाउंट सेट की है, जिसमें ना सिर्फ उसकी इम्यूनिटी सेट होती है बल्कि वो जिंदगी में सर्वाइवल रेट पर भी आता है। पर लेटरली जैसे जैसे ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो उसकी उसी तरह हमें मतलब प्रोटीन्स हमें जो रिक्वायर्ड होती हैं वो हमें मीट ग्रुप में से, फिर आपका जो दूध का, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का ग्रुप है उसमें से हमें होते हैं, दूध, दही, चीज का इस्तेमाल। और जब हम मीट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास प्रोटीन की जो दो सोर्सेज हैं वो एक प्लांट सोर्स है और एक एनिमल सोर्स है। ठीक है, जब हम एनिमल सोर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास सी फूड आता है, मतलब बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त आता है, फिर चिकन, ब्रॉयलर, देसी मुर्गी और ये जो देसी गोश्त है ये आ जाता है। ठीक है, और जब भी हम एनिमल प्रोटीन की बात करते हैं तो ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, जब इसका बेतहाशा इस्तेमाल है, कोलेस्ट्रॉल की जांच सतह बढ़ाता है, पर हमें अगर मेन साइड पर देखा जाए तो हमें ये रिक्वायर्ड भी है। ठीक है, अच्छा, ऑन द अदर साइड अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी कोशिश है कि आप जो है एनिमल मतलब फैट्स या एनिमल प्रोटीन बहुत ज्यादा ना ले, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है जो आजकल हाल हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू विद द प्लांट सोर्सेज। ठीक है, इसमें हमारे पास दालें हैं, सब्जियां हैं, बीन्स हैं, उसे भी और उसके बाद हमारे पास नट ग्रुप आ गया, ये हमारे पास आ गई प्लांट सोर्सेज। ठीक है, अच्छा, प्लांट सोर्सेज से आपका जो बॉडी का मतलब कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, आप बड़े हेल्दी और फिट भी रहेंगे अगर आप इसका पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं। पर ये कि जो आजकल थोड़ा सा ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इधर रेट है वो बहुत हाई हो रहे हैं, जैसे कि हम ये हो रहे हैं, जैसे कि हमने बात कल की थी कि लंपी डिजीज आ गई है काउज में, भैंसो गाय वगैरह में, तो आप ये देखिए कि अब जो चीजें देखी जा रही हैं कि जो चीज आपको अनअवेलेबल हो जाए तो दूसरी चीज का रेट बढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद जो हमारी प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं वो कहाँ पर हैं, वो इस चीज को मॉनिटर करें, इसको प्रॉपर जो है जहां जहां पे किसी गली मोहल्ले किसी स्ट्रीट में भी रेट जहां पे हाई है तो उसको उनको रोकथाम की जानी चाहिए। मेरे ख्याल से जैसे जवेरिया ने कहा दो सोर्सेज है हमारे पास, हम प्लांट से ले सकते हैं, एनिमल से ले सकते हैं, एनिमल से अगर जोर से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो जाएगा, आपको दिल की बीमारियां होती है, आपको हाइपरलिपिडेमिक बिल्कुल, आपका खून में जो कोलेस्ट्रॉल की शरह है वो बढ़ जाती है बिल्कुल जी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आप किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा जवेरिया, दालें अगर दालों का इस्तेमाल करते हैं वीक में एक बार, दो बार या तीन बार लेते हैं तो वो किस हद तक आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, आपकी बॉडी के लिए कितना? देखिए, जब भी वो कॉमें जो वेजिटेरियन होती हैं जो दालों पर आ जाती हैं, जो प्लांट प्रोटीन्स की तरफ जाती हैं, वो बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि एक तो देखा जाए तो गोश्त जो है वो बहुत एसिडिक है वैल्यू में, और जब भी आप गोश्त का इस्तेमाल करें तो आप उसको सब्जियों के साथ बनाएं। सेकेंडली, अगर आपने गोश्त का इस्तेमाल करना है फिर पानी ज्यादा पीना है, आपने खाना खाने से पहले, दरमियान में और बाद में पानी ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो बॉडी में न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, आपका जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो तभी काम करता है जब उसको आप सब्जियों के साथ बनाते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर सब्जी के साथ ही बनाते हैं, बिल्कुल अक्सर जो गोश्त की प्रोडक्ट्स हैं वो हम सब्जियों के साथ बनाते हैं। हाँ जी, और जवेरिया मुझे लगता है फेवरेट है ये ना कि अगर मीट का इस्तेमाल करना है, वेजिटेबल का इस्तेमाल, क्योंकि वेजिटेबल ज्यादा होती है, मीट पोर्शन जो नॉर्मली मैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस बता दूं जो हमें लोग सुन रहे हैं कि 300 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 300 ग्राम 2 से 4 बोटियां बनती हैं। और पर इरम मतलब मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैंने लोगों को एक एक किलो गोश्त एक वक्त पे भी खाते देखा है, माशाल्लाह।
माशाल्लाह तो ठीक है, पर उनको एकदम से हार्ट अटैक्स होते हैं और एंजाइना पेक्टोरिस जो एंजाइनल हार्ट डिजीजेज हैं, और हमारी इमरजेंसी इस टाइम भरी पड़ी है इन चीजों से। हाँ जी बिल्कुल, और जैसे जमीलिया ने कहा कि एक एक किलो लोग खा जाते हैं, और ऐसा ये सच कह रही है क्योंकि शादियों में मैंने बहुत से लोगों को अपनी प्लेट्स के ऊपर पहाड़ बनाते देखा है और वो खाते हैं, और स्पेशली जब मटन की बारी आती है ना तो कोई नहीं छोड़ता, ऐसा है जमीलिया? नहीं बिल्कुल, और मटन के तो खैर बहुत ही हर कोई शौकीन है, मीट लवर्स हैं, हर तरफ मीट लवर्स हैं, पर गोश्त का इस्तेमाल जरूर करें। पर ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, वो आवाम के लिए गवर्नमेंट को ये हमारा मतलब मैसेज है और उनको रिक्वेस्ट है कि इसको इतना कंट्रोल किया जाए कि एक आम बंदे की पहुंच में आ सके, क्योंकि एक जो हर खासो आम है उसकी पहुंच में कम से कम जो हमारी खुराक है उसके रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा जुबेरिया, वैसे आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? डिश तो देयर सो मेनी कुजीन्स, आपको पता है रैबिट, एक आध कोई एक आध नहीं, देसी फूड में से। देसी फूड में तो मुझे भी मटन लैम चॉप्स आई रियली लाइक इट, मैं बनाती भी अच्छा हूँ, मतलब अच्छा मतलब। लेकिन अगर आपको पोर्शन साइज देखिए, पोर्शन साइज अच्छा, आपकी आपकी क्या फेवरेट डिश है? मेरी डिफरेंट है, लाइक मुझे कड़ी बहुत पसंद है, अच्छा कड़ी के अलावा मुझे वैसे बनानी भी आती है, ऐसे सवाल नहीं करते जो मुझे अच्छी लगती है, बनाना पड़ भी सकता है। लेकिन इसके अलावा खैर मुझे जैसे आपने जिक्र किया मटन भी मुझे पसंद है, लेकिन वही वाली बात है कि पोर्शन कंट्रोल करके हम खाते हैं, ऐसे नहीं खाते कि एक एक प्लेट खा जाए और खाया भी जाता। अच्छा जुमेरिया, ड्रिंक्स में कौन सी फेवरेट ड्रिंक है आपकी? आजकल कोई भी नहीं है पानी के अलावा। अच्छा मतलब यू शुड एड समथिंग सम फ्लेवर इन द लाइफ, क्योंकि अगर जिंदगी में रंग और मशरूबात जो नेचुरल कलर्स वाले मशरूबात है ना, हाँ। वो जब आप ऐड कर रहे हैं तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। मैं रमजान में वैसे रेड वाला शरबत बहुत, आपको पता है काला नमक ब्लैक जो सॉल्ट है उसको आप किसी भी जूस में ऐड करते हैं तो वो भी नमकियात को कंट्रोल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बैलेंस करता है, जबरदस्त। जैसे फालसे का जूस है तो आपको पता है फालसे का जूस, मौसमी, किन्नू, उसके अलावा जो अनानास, और उसके अलावा आप देखें कि ग्रेपफ्रूट जूस जब उसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो हमारा वो इतना रिफ्रेशिंग होता है और आपका फॉरेन से इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बेलेंस है वो भी, ये आज मैंने नई चीज सीखी है, ये तो आपने जरूर ऐड करना डेली। बिल्कुल जमीलिया, दालों के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप ये देखें कि दाल के बनाने का तरीका इम्पोर्टेंट है, कि अगर जो लोग देसी घी के तड़के में बनाते हैं उसमें आप थोड़ा सा ये जैसे हींग और गार्लिक और जिंजर वगैरह मतलब लहसुन अदरक वगैरह का तड़का लगा के करते हैं वो इट्स क्वाइट फाइन, पर वो थोड़ा सा आपकी जो दिल की सेहत है उस पर अगर आपको ऑलरेडी आपकी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो चुकी है तो उन पेशेंट्स के लिए वो बेहतर नहीं है। पर अगर आप प्लांट ऑयल्स में बनाएं जैसे कि जैतून का तेल या फिर सनफ्लावर ऑयल, मतलब मुझे देखा लोगों को तो बिल्कुल आदत नहीं कि प्लांट ऑयल में खाना बना रहे हो क्योंकि उनका टेस्ट डेवलप नहीं होता, पर जिस दिन उनके घर में ये आदत हैबिट डेवलप हो जाए कि वो प्लांट ऑयल में खाना बनाने लगे तो मेरे ख्याल से घर का एक फर्द भी ऐसा नहीं, चाहे वो फिर बच्चा है या बड़ा है, जिसको दिल की बीमारी मोहल्ली को। अच्छा जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज है, और इंसानी खून को साफ करने में भी यहाँ बिल्कुल डिटॉक्सिफिकेशन है, क्योंकि देखिए जो आपके खाने का एक एक इंग्रेडिएंट है ना जी, जैसे कि आपके आपने खाना जिन भी इंग्रेडिएंट से बनाया, जैसे कि नॉर्मली जो पाकिस्तानी कुजीन में हर घर में खाने में लहसुन अदरक प्याज टमाटर उसके साथ जो बेसिक्स हमारी ऑयल की हैं, ठीक है, और फिर उसका जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है या जिस यूटेंसिल में बनाया जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे मैं बल्कि एक इरम पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, ये जो चॉपिंग बोर्ड्स हैं मैंने अक्सर घरों में ऐसा भी देखा है कि वो इतने खराब और गंदे हो जाते हैं और स्टिल दे आर यूजिंग द सेम यूटेंसिल्स, और आपको पता ही नहीं कि जो आपकी बोर्ड का जो आपकी जी कॉन्टेमिनेशन है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो वहां से स्टार्ट हो रही है। तो आप जो आपके चॉपिंग बोर्ड्स हैं, आपने अगर एक चॉपिंग बोर्ड सेपरेट रखें जो कि गोश्त की कटिंग के लिए हो, एक सेपरेट रखें जो आपकी जो वेजिटेबल्स के लिए हो, और फिर आप सेपरेट चीजों के लिए सेपरेट दो तीन चॉपिंग बोर्ड्स रखें और उसको आप वीकली जो है बॉयल करें अच्छी तरह से, जैसे बच्चों के मतलब खवातीन बल्कि मुझे यहाँ से याद आया फीडर्स बॉयल करना भूल जाती है, वहां पर कॉन्टेमिनेशन है। पर देखिए जो किचन में आपकी यूटेंसिल्स मौजूद है ना, आपकी जो आपकी बॉडी में होने वाली जो बहुत सी प्रॉब्लम्स है वो किचन की हाइजीन से बहुत ज्यादा मतलब इंटरलिंक्ड है। हाँ बिल्कुल, ये और आपको क्या लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जवेरिया फ्रिज हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा कवर नहीं फ्रिज में साफ नहीं करते, चीजें कवर नहीं होती, चीजें ऊपर नीचे, मतलब आपने इवन एक प्लेट भी रखी तो यू शुड कवर इट, यू मस्ट कवर इट, क्योंकि उसमें भी इतनी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है, जैसे जवेरिया ने कहा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपका कटिंग बोर्ड है उसको अगर तब्दील कर ले अगर खराब हो गया, क्योंकि प्लास्टिक के अक्सर होते हैं, अक्सर लोग वुड के यूज कर रहे होते हैं, और डिफरेंट रखिए, मीट के लिए अलग रखिए, दालों के लिए
लिए अलग रखिए। और दालें वैसे भी इंसानी खून को साफ करने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा आपका बीपी जो है वो कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। और हमारे यहाँ ज्यादा बीपी के पेशेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बल्कि साइलेंट बीपी पेशेंट्स हैं, क्योंकि जो लोग स्मोक कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि उनकी बॉडी में जो होने वाली मेडिसिनल चेंजेस हैं वो किस तरह से कॉप अप होंगी, सॉर्ट आउट होंगी। तो आपको पहले अपनी जो नो योर डिजीज, मतलब आपको अपनी जो बीमारी है उसका जरूर पता होना चाहिए। बिल्कुल जी। और ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है जिन लोगों को पता ही नहीं होता उनका बीपी कितना हाई हो रहा है ना। हाई हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, पता ही नहीं आपको। और अक्सर हम लोग कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि हम चेक ही नहीं कराते। अच्छा, डेली एक कप अगर आप हफ्ते में दो बार आप अगर मटर का, उबले हुए मटर जो है उनका इस्तेमाल कर लें, बीन्स का रेड बीन सैलेड ले लें, उसके साथ साथ कभी कभी आप जो हमारी दालें उबली सिर्फ उबाल के अगर वन कप के करीब लें, तो आपको कितना ज्यादा अच्छा प्रोटीन पता जाता है, जो सिर्फ ना पे आपकी स्किन पे नजर आता है बल्कि आपको जिंदगी में भी बड़ा एक्टिव रखता है। हाँ, और मैंने ये स्टार्ट कर लिया है। दैट्स वंडरफुल, माशाल्लाह। उससे पहले ही स्टार्ट किया लेकिन मैंने इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया और अब मैं इसको एंजॉय करना शुरू हो गई। थोड़ा प्रॉब्लम होता था ना, कल मुझे जमीला ने कहा कि अपने मील को, अपने फूड को एंजॉय करो, एंजॉय करो, खूबसूरत बना के प्लेट को। मतलब अक्सर लोगों को आपने देखा है कि वो अपने खाना जब खाना शुरू करते तो उसको इतना टाइम नहीं देते, इंस्टेंटली फूड रखा और टीवी ओपन कर लिए और फोन लगा लिया। हाँ बिल्कुल। तो आप जो है खाने को पूरा वक्त दें, प्रॉपर वक्त के साथ, मतलब उसको खाना एंजॉय करें। हाँ, खाने को भी एंजॉय कीजिए और इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो अपनी प्लेट का हिस्सा जरूर बनाइए। ग्रीन सैलेड है और उसके अलावा बीन्स का जैसे जिक्र करिए, बीन्स का जिक्र कर रही है और वो जरूर रखिए। और ये तमाम चीजें जिनका इस्तेमाल जरूर कीजिए, साथ साथ पानी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। मशरूबात आज मैंने सीखे हैं जवेरिया से, क्या ब्लैक जो है सॉल्ट उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत काला नमक उसको बोलते हैं नेचुरली। और देखिए जहाँ पे हम रह रहे हैं हम वहाँ पे इजीली अफोर्डेबल चीजें आपको बताएंगे ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो और आप इजीली जो है वो अपने रोजमर्रा के जो आपके मशरूबात हैं या जो आपके खाने आप उसमें इस्तेमाल कर सकते। बिल्कुल जी, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है। जो मेरे इसके अलावा दालों का सूप वगैरह भी बन जाता है, बहुत यम्मी सा। आप उसका पानी सिंपली जो पानी है वो भी यूज कर सकते हैं, आप दालों का वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पानी जो है इसमें स्पेसिफिक आपके पास एसेंशियल एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वैसे तो 22 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं ह्यूमन बॉडी के, ठीक है, पर आपके जो एसेंशियल एंजाइम्स हैं अगर वो भी आपकी ह्यूमन बॉडी कंज्यूम, एब्जॉर्ब और प्रॉपर डाइजेशन हो जाती है तो मेरे ख्याल से जो हम बड़े मतलब लोग लाखों रुपए जो सप्लीमेंट्स पे लगा रहे होते हैं उससे तो वो 10,000 गुना बेहतर है। और जो लोग डाइट कर रहे होते हैं अगर वो दालों का सूप बना के पिए तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें ना तो आपको वेट लॉस भी होता है और आपकी एनर्जी मेंटेन भी रहती है और साथ ही साथ अगर आप जिम या फिर आपको एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो वो भी आपको उसमें भी बहुत हेल्प आउट। जो आप खाती हैं, आप पीती हैं ये सूप? पीती हैं बिल्कुल। मैं कभी कभार जब भी मुझे मतलब वक्त मिलता है और आई मेड इट, मैं इसको डेफिनेटली, बल्कि कभी कभी आपको क्योंकि जब आप एक दफा स्टार्ट कर दो हेल्दी फूड न्यूट्रिशनल प्लान्स तो फिर आप इसके एडिक्टिव हो जाते हो। हाँ, मतलब यू नीड इट, आपको हर सूरत आपको होता है कि मैं मतलब जैसे हमारे पास आजकल लोकल सब्जियां हैं आप उसका सूप भी पीते हैं, उसको आप खा लेते हैं तो ये बड़ा ही एक मजे की चीज होती है। और वैसे भी रमजानुल इसके हैरान कुन बॉडी पे असरात है आपकी ब्रेन के लिए, आपकी दिल की हेल्थ के लिए, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग में होते हैं या जिन लोगों का प्रॉपर ईटिंग हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स नहीं है वो अगर इन चीज़ों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं उनको दिल के मसाइल, शुगर, डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया या इस तरह के जो किडनी के मसाइल हैं उससे भी वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बिल्कुल सॉर्ट आउट हो सकते हैं यकीनन। अगर आपको ये मसाइल है डॉक्टर से आप मेडिसिन तो ले ही रहे होंगे लेकिन कुछ चीजें आपके हाथ में होती है, आपकी डाइट, बिल्कुल रूटीन की लाइफ में क्या क्या चीजें करें, स्किन मेंटेनेंस हो गई, आपका खुराक हो गई, पानी का इंटेक हो गया, कुछ चीजें जो होती हैं वो इंसान के अपने करने के लिए होती है तो आप ये करके अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। डॉक्टर जवेरिया के साथ हमारे का सेगमेंट था जिसमें हमने बात की है कि अगर मुर्गी का गोश्त या मीट आप कोई भी नहीं ले रहे तो आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए वैसे भी हेल्दी है। अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं